अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आरिफ रमजान जसोई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए आज है। आज हम आए हैं हज़ारा गोट के अंदर छोटी सतह पर जो छोटे बिजनेस होते हैं उसके ऊपर, और यहाँ पर जो मछली वगैरह फ्राई होती है उसका। अगर एक फ़र्द जो थोड़े पैसे रखता है, थोड़ा बजट रखता है, वो मछली खाना चाहता है तो वो किस तरह से आकर के मछली खा सकता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सस्ती भी मिले और थोड़े लेवल पे भी मिल जाए, ताकि अगर वो एक फ़र्द है और सिर्फ अपने एक वक्त का खाना या एक वक्त की मछली ट्राई करना चाहता है तो वो यहाँ पर आके सुकून से मछली खा सकता है। अभी आपको ना चल के दिखाते हैं ये जो मछली बना रहा है इसकी पूरी, आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो वगैरह वो किस तरह से मछली बना रहा है, किस तरीके से वो फ्राई कर रहा है, किस तरीके से वो, थोड़ा बहुत उससे बात भी करेंगे। फिर उसके बाद मैंने ये जो मंगाई है ना, जो मैं खा रहा हूँ, फिर इसका मैं आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है। तो इसको अभी छोड़ के अभी मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ वो ये देखें यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो है ना इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? शुक्रिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद कैसे हैं? ये मछली वगैरह का बताएं ना ज़रा। ये मछली तीन किस्म माटी मछली मेरे पास पड़ा है। अच्छा। एक कांटे वाला है, ये वाला सैले वाला, ये वाला है, ये पिंगर मछली है, अब ये कौन मछली है, ये कौन मछली है, सिर्फ एक कांटा ही ज़्यादा तो नहीं है अभी तो। इसका रेट तो बता दो, सबसे मुनासिब रेट सस्ता रेट 600 है, 800 रुपये फिंगर है, करीब 1500 रुपये 1200 रुपये सनस्पुर में चलते हैं, ये 700 रुपये 20 कांटे वाला। अच्छा नूर भाई, ये बताएं मछली कौन सा अच्छी है? सबसे अच्छा ये कांटे वाला है, ये वाला। यही? हाँ ये वाला अच्छी वाला है। अच्छा एक बात बताएं, लोग कहाँ से मछली लें अगर लेना चाहें तो? ज़्यादा वो तो पसंद है कांटे वाला करता है। अच्छा। इसमें तो मसाला भी नजर नहीं है और मसाले से नहीं बनता है, ये मछली का तो खुद का एक जायका है। ये बात क्या है, खुद ही का तो जायका, खुद नहीं मसाला ज़्यादा लगा तो मसाले के जायका इसका तो बनता है। ये कौन सी मछली है? इसमें कांटे वाला बोलते हैं, छिरके वाला तो नहीं है। नाम क्या है इसका? इसका डिस्को मछली बोलते हैं। असल डिस्को? हाँ डिस्को मछली। ज़बरदस्त मछली कौन सी सबसे अच्छी जो आप कहें कि यार ये मछली लाजमी खाओ? मछली तो मछली जैसे पापलेट भी, रोहू भी है, मछली मछली झींगा भी होता है, एक जैसे मछली हो तो मार्केट में हज़ार जैसे मछली, मैं इतनी आइटम ले जाता हूँ। हमारे नूर भाई यहाँ पर मछली खा रहे हैं, ये है खड़े हुए हैं यहाँ पर हज़ारा गोट में ना। आप लोग अगर हज़ारा गोट के आर पास के रहते हैं तो नूर भाई से मछली लें। क्यों नूर भाई? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई, लाजमी मछली लें। मछली रखी हुई, अच्छी अच्छी मछली बनाई इन्होंने। अभी तो अभी तो 150 के, 150 का तो एक बंदे की बहुत हैं, काफ़ी है। हाँ काफ़ी है यार, अगर दो बंदे खाना जाते हैं तो इस मछली को फ्राई करा के खाएं तो मेरा ख्याल है 150 में बाकी उसका पेट भर जाएगा। हाँ मछली का जायका भी मिल जाएगा। पेट पाव एक पाव बहुत अच्छा नूर भाई ये बता, मछली कौन सा अच्छी, ग्रिल करके या फ्राई करके या सालन बना के? फ्राई करके फ्राई करके अच्छी, तो तीनों भी अच्छी है, जायका भी अच्छा है तीनों। कभी लोग इधर आता है तो कांटे वाला खा सकता है, कभी लोग आता है तो बगैर कांटे वाला खा सकता है, वो कांटे वाला नहीं खा सकता है, बोलता है गले में बस। कभी लोग आता है, अभी इसको मसाला कम क्यों लगाया हुआ है? मसाला ऐसे लगा दिए कि इधर बहुत बीमार लोग आता है। अच्छा ऐसे तो बीमार लोग जाता है हमारा पास, इधर गिरा का था बीमार लोग, वो ये मसाले वाला ही पसंद होता है। ये आपने किया बनाया है? ये तकरीबन 25 साल हो गए, 40 साल हो गए इधर। हमारा तो राणा भाई का
इसको बनाया हुआ? हाँ, वो उसका काम है। अभी तो 15-12 साल हो गए मैं तो खड़ा। आप कहाँ से लाते हैं ये? पिछली से। पिछली से? हाँ। सही मिलता है वहाँ से? उधर सही है, रेट भी मुनासिब है, सस्ता मिलता है। ये सबसे मशहूर तरीन मार्केट तो ये पिछली में। ये जो इधर उधर बैठे होते हैं सदर में, ये वो सब मेरा ख्याल नहीं लेना चाहिए। भाई आप लोगों ने अगर मछली खानी है तो फिशरी का रुख करें भाई, इधर उधर से लोगों से ना लें। अरे फ्राई हो रही है बिल्कुल। तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तेल आवाज। आवाज 2-2.5 किलो तेल एक दिन काम करता है। कड़वा हो जाता है तेल? नहीं अभी तो एक पाव है, एक बंदे के लिए काफ़ी। ये चाट मसाला है, सिर्फ ये चाट मसाला लगा हुआ। काम करते हो अच्छा? अच्छा जी। तो हमने ज़रा दिखाया आपको ये सारा का सारा सेटअप किस तरीके से हमने बनाया है। अगर आपके पास बहुत बड़ा कोई रेस्टोरेंट नहीं है, बहुत बड़ी कोई जगह नहीं है, ऐसे ही भाई आप कहीं बैठ जाए, देखिए बिल्कुल कहीं भी बैठ गए हैं। देखो ये लगे हुए हैं सारे। कोई लग्जरी होटल बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे लेवल पे एक छोटा सा ढाबा बोलें, वहाँ पर आके अपना काम शुरू करें। और बस हमने खाई मछली, बहुत ज़बरदस्त उम्दा थी माशाल्लाह से, मज़ा आया। और थोड़ी थी लेकिन ये कि अच्छी थी। और इस मछली को खा के ना ये जो बात है, ज़्यादा बड़ी मछली के चक्कर में ना पड़े। हो ना मछली, बड़ी मछली पकड़ने के चक्कर में ना रहे, छोटी खाएँ, सुकून में रहें। या थोड़े पैसे लगा के खाते हैं ना, आपको बार बार भी दिल करता है, बार बार भी आते हैं। तो आप भी आएँ यहाँ पर ट्राई करें। चले नहीं मुझे दीजिए इजाज़त, जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।